अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट सोलंकी द्वारा आज यहां कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ललित बुटाना के निवास स्थान पर एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया गया। इस अवसर पर उन्होंने बताया कि हिसार के नलवा में 28 तारीख को अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के तत्वाधान में विभिन्न किसान संगठनों के समर्थन से किसानों के हितों के लिए आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जाएगी और किसानों के हितों की लड़ाई लड़ने की शुरुआत की जाएगी। इस कार्यक्रम में अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के नेता नाना भाई पाटिल मुख्य रूप से कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा सरकार के शासनकाल में किसानों पर अत्याचार हो रहे हैं। इन अत्याचार के खिलाफ हरियाणा से बीजेपी के खिलाफ लड़ाई का बिगुल बजाया जाएगा, जो पूरे प्रदेश व देश में होता हुआ दिल्ली में एक विशाल कार्यक्रम आयोजित कर समापन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि दिल्ली में होने वाले विशाल किसान सम्मेलन में मौजूदा सरकार द्वारा बीमा फसल बीमा के नाम पर जो किसानों का शोषण किया जा रहा है लोगों को सामने उजागर करेंगे। इसके अलावा किसानों के अन्य मुद्दे डीजल तेल पानी खाद से संबंधित विशेष रूप से मुद्दे उठाए जाएंगे और किसान कांग्रेस के तत्वाधान में एक बड़ी लड़ाई लड़ी जाएगी। उन्होंने बताया कि इस मौके पर कांग्रेस के नेता एवं पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी भी हिसार के नलवा में आयोजित किसान सम्मेलन में पहुंचेंगे और लोगों को संबोधित करेंगे। उसी के चलते करनाल में ललित बुटाना के निवास पर एक मीटिंग का आयोजन किया गया और लोगों को ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचने का आह्वान किया गया। राजगढ़ रोड पे चौधरी फार्म हाउस में किया जा रहा है। हरियाणा के कुछ किसान संगठन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नाना पटोले जी से मिले थे। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाएं।